ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थोड़ा थोड़ा आपका करीब आए, बच्चों थोड़ा सा आगे आइए, आगे बढ़ते जाइए। बहरहाल मैं जो बाहर बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश नहीं कर रहा हूँ कि वो अंदर तशरीफ ले आए। बहरहाल जहाँ भी बैठे हैं वहीं से सुनिएगा और वहीं से हौसले से नवाजिएगा। और ये तो इस बज़्म की फजीलत है कि यहाँ अगर कोई कुर्सी पर बैठा है तो उससे बड़ा कुर्सी नशी कोई नहीं, और फर्श पर बैठा है तो उससे बड़ा फर्श नशी कोई नहीं। बहरहाल आप हजरात को जहाँ बैठा लगे वहीं बैठिए। थोड़ी सी आवाज सही कीजिए, बलंतरीन सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। छोटे छोटे बच्चे आपके सामने भी नजराने अकीदत पेश कर रहे थे, आप दादो तहसीन से नवाज रहे थे, और यकीनन ये हमारी कौम के मुस्तकबिल है। और जबान से सिर्फ यही दुआ निकलती है, तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, जमाना तुमसे बड़ा काम लेने वाला है। और क्यों ना इस तरीके से, इस हौसले से और बिना किसी हेजिटेशन के ये पढ़ें, इसलिए कि तारा का लहू है न सिकंदर का लहू है, तारा का लहू है न सिकंदर का लहू है, इस्लाम की रग रग में तो सरवर का लहू है, इस्लाम की रग रग में तो सरवर का लहू है। उस दीन के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, जिस दीन की बुनियाद में असहर का लहू है, जिस दीन की बुनियाद में असहर का लहू है। आई हजरत बाकायदा तौर पर अब यहाँ से मैं अपनी इजामत शुरू कर रहा हूँ, और फहरिस्त बहुत तवील है, और ये मैं जानता हूँ, इतना तो माशाल्लाह तजर्बा हो चुका है कि अगर फहरिस्त तवील हो तो सिर्फ ये के बाद दीगर शोरा को बुलाया जाता है, इसलिए कि नाज़िम का काम ये होता है कि जब महफिल पर सुस्त रवि तारीफ हो रही हो उस वक्त वो आकर महफिल को जगाए और आइंदा शायर को आवाज दे। इंशाल्लाह जिस तरीके से आप सुन रहे हैं मुझे जरूरत नहीं महसूस होगी ज्यादा आपके दरमियान में हल होने की, पर यहीं से मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, हसन साहब पेश कर रहा हूँ कि कहाँ से हौसला लाऊं कि उनकी सना लिखूं, कहाँ से हौसला लाऊं कि मैं उनकी सना लिखूं, कलम जमजम से धोऊं तब कहीं सल्लो अला लिखूं, कहाँ से हौसला लाऊं कि मैं उनकी सना लिखूं, कलम जमजम से धोऊं तब कहीं सल्ले अला लिखूं, सनाए मुस्तफा करने की मुझ में अहलियत कब है, अबू तालिब करम कर दे तो नाते मुस्तफा, सनाए मुस्तफा करने की मुझ में अहलियत कब है, सनाए मुस्तफा करने की मुझ में अहलियत कब है, अबू तालिब करम कर दे तो नाते मुस्तफा लिखूं, अबू तालिब करम कर दे तो नाते मुस्तफा लिखूं, गर नाते मुस्तफा का असर बोलने लगे, गर नाते मुस्तफा का असर बोलने लगे, अंजुम साहब जहाँ बैठे वहीं से शेर सुनिएगा, गर नाते मुस्तफा का असर बोलने लगे पत्थर भी सामने हो अगर बोलने लगे, गर नाते मुस्तफा का असर बोलने लगे पत्थर भी सामने हो अगर बोलने लगे, ए शहरे इल्म ऐसे भी कुछ शेर हो आता, ए शहरे इल्म ऐसे भी कुछ शेर हो आता, जो भी सुने वो बारे दिगर बोलने लगे, ए शहरे इल्म ऐसे भी कुछ शेर हो आता, जो भी सुने वो तारे दिगर बोलने लगे, नाते नबी ये पाक का हक यूं अदा करो, नाते नबी ये पाक का हक यूं अदा करो, कर जाए कर जबा तो नजर बोलने लगे, नाते नबी ये पाक का हक यूं अदा करो, नाते नबी ये पाक का हक यूं अदा करो, कर जाए कर जबा तो नजर बोलने लगे, कर जाए कर जबा तो नजर बोलने लगे। आई हजरात इन अशआर के साए में गुजारिश कर रहा हूँ नावेद साहब से कि तशरीफ लाए और बरगाह रिसालत महाब में नजराने अकीदत पेश करें, बुलंदतरीन सलवात से इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
सबसे पहले आप सभी लोगों को नज़ूले रसूल खुदा नज़ूले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शहजादी बतून बीबी उम्मे कुलसूम बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद आपके रोजे से हवाती है मोहम्मद आपके रोजे से हवाती जैसे जैसे हवा आती है मेरी जान में जान आती है मोहम्मद आपके क्या बताऊँ आपको खस्ता जिगर हालत मेरी क्या बताऊँ आपको खस्ता जिगर हालत मेरी छूते ही आपके रोजे से शिफा मोहम्मद आपके और लो चली ले के हवा नामे मोहम्मद अरबी लो चली ले के हवा नामे मोहम्मद अरबी किस तरह के हवा दिल में किस तरह के और जो माँ बचपन में सिखाती है और बचपन में नाम आपका जो रटवाती है बचपन में नाम आपका जो रटवाती है ऐसी मादर पे मोहम्मद की दुआ मोहम्मद आपके शेर सुने के जब से दरवाजे पे लिखा है मोहम्मद मैंने के जब से दरवाजे पे लिखा है मोहम्मद मैंने और तब से बीमारी कोई पाए मोहम्मद आपके जैसा कोई आया ही नहीं मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं आप पे आमिना बीबी की दुआ आती है मोहम्मद आपके माता समाज समाज लेके जब नाम
मोहम्मद यूं लगा है नावे के लेके जब नामे मोहम्मद यूं लगा है नावे जिस तरह मुर्दे में कोई जाने चली जाती है जिस तरह मुर्दे में कोई जाने चली जाती है जनाब अबू तालिब के हवाले से समाप्त।